भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी आपको संबोधित करेंगे। मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने आज सुबह बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। बार बार कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके की टिप्पणी की जा रही है उससे अब यह स्पष्ट लगता है कि कांग्रेस एक मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं रही, एक फ्रिंज पार्टी बनती जा रही है। द कांग्रेस पार्टी इज रिपीटेडली गिविंग इंडिकेशन ऑफ नो मोर ए मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी बट ए फ्रिंज पार्टी एंड ए फ्रिंज प्लेयर इन द कंट्रीज पॉलिटी। और यह लगता नहीं है कि वही पार्टी है जिसने देश पर 58 साल राज किया है, जिसमें 50 साल एक परिवार का राज रहा है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक को राहुल गांधी ने खून की दलाली कहा था, और उस समय कहा था जब पूरा देश में उत्साह और उल्लास का माहौल था भारत के सेना के जवानों और अधिकारियों के साहस पर। इनके नेताओं ने आर्मी चीफ के बारे में किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया, वो कितने शर्मनाक शब्द थे कि मैं उसको दोहरा नहीं सकता। राहुल गांधी से हम और कुछ उम्मीद कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक समय उनकी माताजी ने मौत के सौदागर की बात कही थी, याद होगा आपको। तो दैट इज द राइट ट्रेनिंग ऑफ मिस्टर राहुल गांधी फ्रॉम द बार्ब ऑफ मौत के सौदागर ऑफ द मदर टू खून की दलाली बाय द सन। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने जो कहा था हम वो टिप्पणी कर चुके हैं कि भारत की सेना आतंकवादियों को कम और कश्मीर के लोगों को अधिक मारती है। और आज वही सवाल फिर उठा है कि सेना की तारीफ करने की औपचारिकता करना और इस तरह की टिप्पणियां करना जिससे पूरे सर्जिकल स्ट्राइक पर ही सवाल उठे। अब सवाल क्या क्या उठाए जा रहे हैं, अभी क्यों, ये सीडी कहां से आई, ये सवाल जरूरी है क्या, सीडी कितना सही है ये उस समय के सेना के पदाधिकारियों ने आपके चैनलों पर कहा है कि वो खुद इसको मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं अब पूरी जिम्मेवारी से कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की टिप्पणियों पर सबसे अधिक खुश पाकिस्तानी पाकिस्तान में लोगों को होगी, आतंकवादियों को होगी। और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद की टिप्पणी पर लश्कर ए तैयबा से उनको सर्टिफिकेट मिला, आज जो कांग्रेस पार्टी ने कहा है जल्दी ही उनको भी लश्कर ए तैयबा या पाकिस्तान के किसी आतंकवादी संगठन का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। क्या देश की सेना के मनोबल को तोड़ना ही कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य बचा है? कहीं ना कहीं तो हम लोग सियासत के से ऊपर उठें। यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत की परंपरा रही है। कारगिल की विजय हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, वहां भी कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उस पर सवाल खड़ा किया था। जो पुराने पत्रकार बैठे हैं उनको याद होगा उस समय की कटिंग, उस समय की टीवी के फुटेज निकालिए। बस एक बार औपचारिकता, हम सेना की सराहना करते हैं और उसके बाद सब कुछ कहना, वही आज चल रहा है। ये पूरे फुटेज में साफ दिखाया जा रहा है कि भारत की सेना अंदर जाती है, किसी को एक खरोच भी नहीं लगती और कार्रवाई करके चली आती है। और इसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा लंदन में, जब सेना आई हमारे पास कि इसको हम मीडिया में बताना चाहते हैं, तो हमने कहा पहले पाकिस्तान को बताओ, उनको खबर करो।
और आपको मालूम है एक घंटे तक वो लाइन पर नहीं आए, बाद में बताया गया हमने स्ट्राइक किया है, आपकी लाशें पड़ी हैं, आप चाहे तो हटा लीजिए। लेकिन हमसे कांग्रेस के लोग पूछ रहे हैं कि हम इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक 16 में हुई थी, पिछले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव था, क्या इसे पब्लिक किया गया? गुजरात के चुनाव थे, कर्नाटक के चुनाव थे, हिमाचल और उत्तराखंड के चुनाव थे, और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटका में बड़ी संख्या में अवकाश प्राप्त सेना के लोग भी रहते हैं, आपको मालूम है। क्या उस समय हमने किया? आज तो कोई चुनाव नहीं है। और ये कहां से आया इस पर आज चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं उस समय के सेना के पदाधिकारियों ने कल कंफर्म किया। तो आज इस पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाह रही है? हमारा स्पष्ट आरोप है कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवादियों के हौसले को मजबूत कर रही है। और हमारा दूसरा आरोप यह है कि जो पाकिस्तान बार बार सर्जिकल स्ट्राइक को कहता है हुई नहीं, तो आज पाकिस्तान के लोग भी कहेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी सवाल उठा रही है तो हमारी बात ही कह रही है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं। इट इज आवर चार्ज विद ग्रेट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट टुडेज स्टैंड ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू ग्लैडन द हार्ट ऑफ द टेररिस्ट एंड देयर पेट्रन अक्रॉस द बॉर्डर इन पाकिस्तान। And second, it is going to give a big campaign handle to the establishment in Pakistan that what we said, questioning the authenticity of the surgical strike, is being reinforced by Congress party. जो मैंने कहा fringe party हो गई है Congress party, इसीलिए कहा था। देश हित में साहस दिखाना पड़ता है। अब कांग्रेस पार्टी ने कितना साहस दिखाया है उसकी चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन क्या बार बार जनता से हराए जाने के कारण इतने हताश हो गए कि आप सेना के मनोबल को कमजोर करेंगे? यह है सबसे बड़ा सवाल। टुडे द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू कांग्रेस पार्टी एंड वुड अर्ज दैट द पीपल ऑफ इंडिया आस्क कांग्रेस पार्टी that have you become so desperate after repeated reverses that you will question the morale, the courage and commitment of the armed forces? aisa to aaj tak nahi hua tha. ab sawal pucha gaya hai ki aapne sena ke allocations ko kam kar diya hai, ab iske bare mein bhi bahut charcha hui hai. aapko malum hai ki ek baar निर्मला सीतारामन जी ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी और वो विस्तार से चीजें आई भी थी। जहां तक मैं समझता हूं, वन ऑफ द हाईएस्ट एलोकेशन, पिछले साल का बजट देखिए तो 2,90,000 करोड़ का एलोकेशन था आर्म फोर्सेस के प्रति, 2.95 करोड़, थैंक यू डॉक्टर, 2.95 लाख करोड़, विच वॉज 7.5% मोर देन द प्रीवियस एलोकेशन। बाकी आज के दिन हम निर्मला जी के प्रेस को ही आपके सामने रिपीट करेंगे कि द डिफेंस मिनिस्टर शी एक्सप्लेन टू यू कि 2004-05 से जब से अटल जी की सरकार गई और आज तक एनडीए की सरकार में एलोकेशन कितना बढ़ा है। अब जहां तक बाकी सवाल है, वन रैंक वन पेंशन को किसने सेटल किया? मोदी जी की सरकार ने किया, 11,000 करोड़ रुपया लगभग दिया जा चुका है, आपको मालूम है। ये जो काडर रिव्यू ऑफ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स है और ओआर हैं, इसको किसने किया बेटर प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट्स के लिए? हमारी सरकार ने किया। ये जो आपके आर्मी बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड को एस्टैब्लिश किया गया कि परिवारों को तुरंत पैसा मिले जिनके परिवार के लोग मारे जाते हैं बैटल में, उसके बाद नेशनल वॉर मेमोरियल म्यूजियम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। फिर आपके कई चीजें हैं, पेंशन अदालत करना, उनके हेल्थ कार्ड, उनका डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ पेंशनर्स, और उसके बाद एक्स ग्राशिया इनकम
अगर कोई सोल्जर डाइज इन हार्नेस, ऑल दीज थिंग्स आर वेल नोन. सेना के लिए परचेज हो, खरीदगी हो, वेपन हो, इन सबों को फास्ट ट्रैक किया गया है. ये जो पूरे डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, आपको मालूम है झांसी के पास और बाकी, ये कौन बना रहा है? तो मैं हमेशा कहता हूं राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते, आजकल उनके साथ काम करने वाले तो होमवर्क नहीं करते, अगर इन चीजों को देख लिया गया होता. लेकिन कांग्रेस पार्टी होमवर्क क्यों नहीं करती है? उसका भी कारण है. कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, जब भी हथियारों की खरीद हो तो बिना कमीशन के काम कैसे चलेगा? नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कमीशन बंद है, बिचौलियों की भूमिका बंद है, दलालों के लिए दरवाजे बंद हैं, इसलिए बोफोर्स नहीं होता, इसलिए अवस्था हेलीकॉप्टर स्कैम नहीं होता, सबमरीन स्कैम नहीं होता, तो उससे उनको परेशानी है. और ये न कभी होता है एनडीए सरकार में, मोदी जी की सरकार में, ये न कभी हुआ है न कभी होगा, क्योंकि चाहे वो आर्म फोर्सेस हो या बाकी विभाग हो, बिचौलिए और दलालों के लिए दरवाजे बंद हैं. और जो मैंने एक बार यहां कभी पहले कहा था, मोदी जी की सरकार का एक मंत्र है, जो काम होना होगा वो जरूर होगा, आप कुछ भी कहिए, और जो काम नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, आप कुछ भी करिए. तो व्हेन वी गो बाय नॉर्म्स, दैट्स व्हाट हैपेंड. मित्रों, कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं की टिप्पणियों से कितना अपने को अलग करेगी? आजकल गुलाम नबी आजाद पिछले चार दिन से खामोश है और सैफुद्दीन सोज बोले ही जा रहे हैं. अब उन्होंने कहा कि ये हमारी आवाज है, अब उनकी आवाज कब कांग्रेस की आवाज बन जाती है ये भी देखेंगे हम. लेकिन कश्मीर के बारे में भी आज टिप्पणी की गई, क्या भारत की सेना के जवान कसकर लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के लोग सुजात बुखारी के बारे में, जो आज सेना की और पुलिस की खोज आई है कि यह आतंकवादी पाकिस्तान से आया था और हाफिज सईद के इशारे पर यह कार्रवाई हुई थी, इस पर क्या कहना है उनका? कितनी प्रॉपर्ली कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है? आप देख रहे हैं, और मैंने लास्ट टाइम अपनी प्रेस में पूरा डिटेल्स दिया था कितने आतंकवादी मारे गए. मित्रों, मुझे आपसे अंत में एक बात कहनी है और फिर मैं आपके सवाल लूंगा. कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी वोट के लिए? टू व्हाट एक्सटेंट द कांग्रेस विल स्टूप फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिजनशिप? कांग्रेस पार्टी साफ साफ बताए कि वो वीडियो उस समय के लेफ्टिनेंट जनरल ने कन्फर्म किया है, और जनरल हुदा who was sitting in the center when the operation was going on. आप इस वीडियो पर क्या सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सवाल नंबर एक. और मैं चाहूंगा कांग्रेस ईमानदारी से जवाब देगी. सवाल नंबर दो, सर्जिकल स्ट्राइक को कांग्रेस पार्टी सही मानती है या गलत मानती है, जवाब दे. सवाल नंबर तीन, हमारे सेना के जवान कश्मीर में अंदर घुसते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों के कैंप को ध्वस्त करते हैं और कई को एक प्रकार से उनकी जीवन लीला समाप्त करते हैं और एक खरोच नहीं लगती, इसे सही मानते हैं गलत मानते हैं? और नंबर चार, आज भी उनके एक नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक के इस वीडियो को डाउटफुल बताया है. आज भी उनके नेताओं के द्वारा सेना के आर्मी चीफ पर टिप्पणियां हो रही हैं. कांग्रेस पार्टी इसको सही मानती है गलत मानती है? हमारा कोई पॉलिटिक्स करने का इरादा नहीं है, हम साफ साफ कहना चाहते हैं, हमें जनता के आशीर्वाद से वोट मिलता है. हमें सेना के मनोबल को कमजोर करके या सेना की सियासत करके अपनी पॉलिटिक्स नहीं करनी है. इसलिए हमने अपना इरादा साफ किया कि यूपी का चुनाव, हिमाचल का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव, कर्नाटका का चुनाव और आपके फिर हिमाचल प्रदेश का चुनाव, हमने कहीं भी इस वीडियो की सियासत नहीं की. लेकिन हां, पार्टी की ओर से हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, उनके साहस पर.
साहसिक निर्णय लेने पर, और हमारी पार्टी उनका अभिनंदन करती है, और यह अभिनंदन सिर्फ हम ही नहीं करते, देश की जनता करती है और दुनिया भी करती है। एक अंतिम बात, बहुत पीड़ा से मुझे कांग्रेस से पांचवा सवाल पूछना है। उस बहादुर सेना के जवान औरंगजेब के घर जब आर्मी के चीफ जनरल ओपी रावत गए और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन गई, बिपिन रावत, आई स्टैंड करेक्टेड, और सेना के अपने आर्म फोर्सेस की चीफ रक्षा मंत्री निर्मला जी गई, तो कांग्रेस ने इसे ड्रामा कहा। क्या कश्मीर में एक बहादुर जवान सेना का औरंगजेब ईद की छुट्टियों में घर आ रहा है, उसे आतंकवादी मारते हैं, और उसके पिता में यह हिम्मत है कि मैं अपने दूसरे बेटे को भी सेना में भेजूंगा, क्या इस बहादुर पिता को जाकर सम्मान देना और शहादत पर प्रणाम करना ड्रामा है? और कांग्रेस पार्टी यह क्या कर रही है? एक तरफ एक बहादुर औरंगजेब है, और वही कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना एक निशंस क्रूर शासक औरंगजेब से की है। यह भारत की राजनीति में एक नई गिरावट है। और सेना पर सवाल करना, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल करना, और भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना औरंगजेब से करना, यह कांग्रेस की मानसिकता है। हारी हुई, थकी हुई, हताश कांग्रेस, जो अपनी सियासत के लिए किसी सीमा तक जाएगी। क्या मतलब है इसका कि एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के ग्लोबल लीडर हैं, उनकी तुलना आप औरंगजेब से करते हैं? वी कंडेम इट, यह शर्मनाक है, बेबुनियाद है, और राजनीतिक गिरावट की पराकाष्ठा है। इट इज एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ रैंक पॉलिटिकल डिक्लाइन, शेमफुल कंडक्ट बींग स्पोकन इन इरिटेशन एंड ऑल्सो डेस्परेशन। ये मुझे कहना था मित्रों, अपनी ओर से मैंने अपनी पूरी बातें कह दी, अब आपके जो सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। अब मुझे हर का जवाब नहीं देना है। कांग्रेस पार्टी में कंपटीशन चल रहा है, कल सलमान खुर्शीद भी बोल चुके हैं, अभी और लोग भी बोलेंगे। आज यहां मैं बैठा हूं कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के लिए। अब जहां तक मनमोहन सिंह के समय इस सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं हुई, उस पर जहां तक मुझे याद है संबित पात्रा हमारे बारी प्रवक्ता कई बार जवाब दे चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, ओके, क्योंकि हमको उस पर पॉलिटिक्स नहीं करनी है। जहां तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का सवाल है, उन्होंने देश का नेतृत्व बहुत साहस के साथ कारगिल मामले में किया था, और चाहे वो कारगिल का मामला हो, चाहे वो पोखरण का अनुबम का विस्फोट हो, कांग्रेस पार्टी ने उस समय क्या क्या कहा था हम सभी जानते हैं। भैया अदिति, no one has boasted it. Have we boasted it? We only informed of courage, of conviction. That's all. On Mr. Arun Shori, I have nothing specific to say. There have been instances of Mr. Shori in the past and instances of the present. I have nothing to say. That's all? Follow me, pardon. उनका जवाब यही है कि अब सेना को खुले हाथ से छूट दी गई है, किसी पॉलिटिकल दबाव में सेना और पुलिस नहीं है, आतंकवादी हैं तो कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है, हुर्रियत के खिलाफ भी पूरी कार्रवाई हुई है अगर उनके लोग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाए गए हैं, ये देख रहे हैं आप। तो हमें टाइमिंग की बात नहीं कहनी है, लेकिन हां,
सेना के साहस को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का पूरा विरोध हम करेंगे और देश भी करेगा। थैंक यू। अन्य सवाल नहीं, आज सिर्फ यही सवाल। धन्यवाद।